अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे हमलों में बड़ी तेज़ी आई है और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त 4-5 मुख्तलिफ साइडों से जंग लड़ रही है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ साथ अब जो सिक्योरिटी की सिचुएशन हुई है, जो आर्मी की हर तरफ दुर्गत बन रही है, वो पाकिस्तान को और नीचे लेके जा रही है। पहले मैं ज़रा बता दूं कि कल ईरान से पाकिस्तान पे हमला हुआ है। अब कहने को तो ये कहा जा रहा है कि ये टेररिस्टों का हमला है जो ईरान से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इतना सेंसिटिव बॉर्डर है पाकिस्तान ईरान का, उसमें से कैसे टेररिस्ट ईरान से ईरान की सरकार की मदद के बगैर अटैक कर सकते हैं। पहले मैं आपको ISPR की प्रेस रिलीज़ के बारे में बता दूं कि ISPR की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि वेनस्डे को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान आर्मी का एक सिक्योरिटी कन्वॉय जा रहा था, तो बॉर्डर का एरिया है चुकाब सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट पंजगोर, बलूचिस्तान, वहाँ पे ईरान के अंदर से कुछ लोगों ने हमला किया और हमारे 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के आदमी मारे गए और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है टेररिज्म में। इसलिए हमने ईरान को सख्ती से कहा है कि इनको बाजियाब कराया जाए। अब एक तरफ देखें, तालिबान हैं, वो ड्यूरेंट लाइन से उस तरफ से अक्सर हमला करते रहते हैं, हर दूसरे दिन वहाँ पे बॉर्डर पे बाढ़ काटी जाती है और ये जो पूरा बॉर्डर है ना, जो KPK और बलूचिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, उस पे स्मगलिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा है और आजकल की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान से रोज़ के मिलियंस ऑफ डॉलर कैश अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं और अफ़गानिस्तान से फिर आगे ये दुबई वगैरह जाते हैं। इसी तरह ईरान से पेट्रोल बहुत आता है और ईरान से पेट्रोल वहाँ स्मगल करके आता है और ये सारी चीज़ें हैं और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी का फुल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ डॉलर की स्मगलिंग का मसला है तो उसमें आर्मी वहाँ पे खुल के ये धंधे कर रही है। और ये जो ईरान वाला सेक्टर इस्तेमाल हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा लास्ट ईयर कराची यूनिवर्सिटी पे चाइनीज़ टीचर्स की बस को बम धमाके से एक औरत ने उड़ाया था, उस वक्त भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा था कि इस धमाके की प्लानिंग ईरान में हुई है। ईरान आफ्टर ऑल एक शिया मेजोरिटी स्टेट है और एक्सट्रीमिस्ट शिया स्टेट है और पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी स्टेट है। अब सुन्नी में ये सारे आ जाते हैं, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ये सब सुन्नी के सेक्ट हैं, मेजर सेक्ट हैं शिया सुन्नी। अब शिया में आगा खानी आते हैं, अशनासरी आते हैं और उनके अपने सेक्ट हैं यहाँ पे सुन्नियों में, तो पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट मेजोरिटी सुन्नी स्टेट है और यहाँ पे शियाओं के खिलाफ परसिक्यूशन तो होती रहती है और इसके अलावा शियाओं को काफिर तो माना जाता है, इसी तरह ईरान में सुन्नियों को काफिर माना जाता है। तो आफ्टर ऑल ये दोनों का 36 का आंकड़ा तो है, ना ईरान पाकिस्तान को पसंद करता है ना पाकिस्तान ईरान को पसंद करता है। ईरान अमेरिका का नंबर वन दुश्मन है, पाकिस्तान अमेरिका का टट्टू है और अमेरिका का एजेंट है, ये ईरान को भी पता है। पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के लिए कुछ भी कर सकती है, ये ईरान को पता है। तो मुझे बीच में आज से कुछ महीनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि ये खबर मिली थी कि ईरान की जो कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, एजेंसीज, वो बलूचिस्तान के ग्रुप्स को कुछ सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और बलूचिस्तान के जो आज़ादी के क्रांतिकारी हैं उनको ना भारत सपोर्ट करता है, ना अमेरिका, ना चाइना, ना कुछ, लेकिन ईरान के कुछ ग्रुप्स
बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करती हैं और वो बहुत तेज़ी आ गई है वहाँ के मामलात में। अब क्वेटा के पास बोलान कोकरत के मकाम पे गैस लाइन धमाके से फट गई और 12 इंच की जो गैस लाइन थी वो पूरी ट्रांसमिशन लाइन तबाह हो गई। और ये जाहिर है अपने बलोच भाइयों का कमाल है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। बलोचिस्तान के प्रेस रिलीज के मुताबिक मुश्के में पाकिस्तान फौज की चौकियों पर हमले में 3 फोर्सेस के पर्सन्स मार दिए गए। वादी मुश्के में बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान फौज की 2 चौकियों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। BLF के तर्जुमान मेजर कोहराम बलोच ने मीडिया के बयान दिया है कि हमने मगरिब के वक्त शाम को वादी मुश्के में चक्की में कायम पाकिस्तान फौज की चौकी पर रॉकेटों और भारी हथियारों से हमला किया, जिससे 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए और 3 जख्मी हो गए। इस हमले के 1 घंटे बाद शर्मचारों ने मलशबंद में भी पाकिस्तानी फौजी चौकी पर स्नाइपर से एक एहलकार को मार दिया और 2 फौजी जख्मी हो गए। और इन हमलों में काफ़ी पाकिस्तान आर्मी का नुकसान हुआ। जो गैस पाइपलाइन फाड़ी गई है, इसके हवाले से प्रेस रिलीज है कि बोलान के इलाके सिराजाबाद से गुजरने वाली 18 इंच की पाइप गैस पाइपलाइन पर मुसल्ला अफराद ने हमला करके तबाह कर दिया। ये गैस ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के इलाके सुई से निकल के कराची और पंजाब के मुख्तलफ इलाकों को गैस प्रोवाइड करती थी। बोलान और दीगर इलाकों में इससे कबल भी कई बार गैस पाइपलाइन पर हमले हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, ये गैस पाइपलाइन आपको पता है कि ये कराची जो जाती है, ये पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल पहिया चलाती है और सारी इंडस्ट्रीज़ को गैस इसी पाइपलाइन से मिलती है, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। फिर पंजाब को, फिर इन सर्दियों के मौसम में इस वक्त कराची में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। हालांकि यहाँ का मुकाबला नहीं, यहाँ पे इस वक्त हमारे घर में मतलब बाहर जो है -3 -4 चल रहा है, लेकिन कराची में इस वक्त +6 +8 चल रहा है, जो कि कयामत है उनके लिए। तो गैस इस वक्त बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। वो फिर आर्मी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसके अलावा ये तो खाली एक बलूचिस्तान और ईरान का फ्रंट हुआ। KPK में और बलूचिस्तान में जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पड़ते हैं, वहाँ से एक तरफ तालिबान कर रहे हैं, दूसरी तरफ TTP ने इनका बाजा बजाया हुआ है। ये पेशावर में एक पुलिस चौकी पे हमला हुआ है, जिसमें डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP भी मारा गया। पेशावर के सबर्बन एरिया में एक सरबन पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, जिसपे DSP बदाबर सरदार हुसैन मारा गया। इसके अलावा 3 और पुलिस वाले भी मारे गए। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब ने कंफर्म किया कि पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ ग्रेनेड और स्नाइपर गन्स के साथ, और नाइट विजन गॉगल्स लगाए हुए थे उन्होंने, टेररिस्टों ने। SSP ऑपरेशंस ने यह भी कहा कि टेररिस्टों ने पुलिस स्टेशन पे 3 साइड से हमला किया और 6 से 8 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। 12 से 14 पुलिस वाले उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे जब हमला हुआ, लेकिन टेररिस्ट ये सब काम करके चले गए। ये है इस वक्त सिचुएशन। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आपको पता ही है कि काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बलूचिस्तान में क्वेटा के कोर कमांडर गफूरा, जनरल आसिफ गफूर, जो कि पहले DGISPR होता था और उसके मीम वगैरह बनते थे, अब वो बलूचिस्तान में क्वेटा का कोर कमांडर है, उसने धमकी दी है कि अगर प्रोटेस्टरों ने आइंदा कोई प्रोटेस्ट किया तो सबको गिरफ्तार कर लेंगे।
ये इनकी हालत है, ये इनकी पोजीशन है अजीज़ दोस्तों। मैं इस वक्त अपना ये प्रोग्राम सिर्फ 10 मिनट का सोचा था कि बलूचिस्तान और केपीके की सिचुएशन पे। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। अजीज़ दोस्तों, मेरा चैनल आपके सपोर्ट पे ही चलता है और आप जितनी सपोर्ट करेंगे इतना मेरे लिए आसानी होगी ओके, मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से पेश करूं। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, उसके लिए मैं आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर फीडबैक। और अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो ये आपके सामने ऑप्शंस मौजूद हैं। प्लीज़ बढ़ चढ़ के सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने इस सफ़र को और कामयाबी से जारी रख सकूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।